मेरे नौजवानों एक मेरी बात सुन लें आप, कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से। कौमें फिर ठीक हो जाती है, पैसा फिर बना लेती है, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। जब एक कौम की इखलाकियात खत्म होती है, कौम खत्म हो जाती है। मौलाना रूमी ने किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम, उन्होंने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक खुशबूदार दरख्त और एक बदसूरत, कहता जब इनमें फर्क खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसकी बुनियाद रखी थी अच्छे को अच्छा कहो और बदी को खत्म करो। अच्छे को अमर बिन मारूफ, बड़ा कुरान की आयत के हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि अच्छे को अच्छा कहो बुरे को बुरा कहो। जब तक एक कौम की अखलाकियात कायम रहती है वो कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जापान, दो एटम बम गिरे जापान के ऊपर, 10 सालों में जापान फिर खड़ा हो गया, एटम बम भी तबाह नहीं कर सका क्योंकि उनकी अखलाकियात कायम थी। जो मदीना की रियासत की बुनियाद इखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तस्वीर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है,